हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू द बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। टुडे वी स्टडी अबाउट द इकोनॉमिक्स फॉर क्लास 11th एंड इट इज आवर सेकंड चैप्टर, दैट्स द नेम इज द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स। इन दिस वीडियोस वी शुड बी अंडरस्टैंड अबाउट दीज पॉइंट्स, लाइक व्हाट इज द एन इकोनॉमी, एन इकोनॉमिक सिस्टम एंड व्हाट इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड व्हाई डज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अराइज एंड आफ्टर दैट द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमिक्स एंड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शिफ्टिंग or the rotation of the production possibility curve, and after that we understand about here the production possibility curve and central problems, and at least last point the opportunities cost। तो अगर देखें तो हमारा इस वीडियो में इन तमाम तरह के जो कॉन्सेप्ट हैं इनको हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत। तो फर्स्ट सबसे पहले आज देखें हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ एन इकोनॉमी एंड आफ्टर दैट द इकोनॉमिक सिस्टम। तो इकोनॉमी क्या होती है और इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ एन इकोनॉमी, इकॉनमी होती क्या है। तो नॉर्मली इकॉनमी इज अ सच इज अ सच स्ट्रक्चर इन विच द वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ अ सोसाइटी आर परफॉर्म। तो अगर देखें तो इकोनॉमिक एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें विभिन्न तरह की डिफरेंट टाइप ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर परफॉर्म, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को सोसाइटी में परफॉर्म किया जाता है। इन अ सोसाइटी द वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज फॉर फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल्स एंड द अर्निंग देयर लिविंगहुड आर द परफॉर्म। अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की हम बात करें तो सोसाइटी में क्या होता है कि एक इंडिविजुअल अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तमाम तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को करता है, जिससे वो क्या कर सके, अपनी लिविंग हुड को मेंटेन कर सके। फिर कहता है फॉर द ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ अ सच इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अ सिस्टम एन ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड। तो इस तरह के ऑपरेशन को मेंटेन, यानी कि अपनी लिविंग हुड को मेंटेन करने के लिए, अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए और उसको सही तरीके से मैनेज करने के लिए क्या चाहिए, एक सिस्टम की जरूरत होती है। जैसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात कर ले, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं, या फिर अ सिस्टम एन ऑर्गेनाइजेशन और द स्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड, जिसके लिए एक सिस्टम या ऑर्गेनाइजेशन या एक स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है, विच इज़ कॉल्ड एन इकॉनमी, जिसको हम क्या कहते हैं, एक इकॉनमी कहते हैं। यानी कि हमें अपने जो रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल करने के लिए, अपने सेटिस्फैक्शन को मेंटेन करने के लिए, अपने लिविंग हुड्स को मेंटेन करने के लिए, उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को करने के लिए या ऑपरेशन, उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के ऑपरेशंस को करने के लिए, मैनेजमेंट को करने के लिए एक सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है, वो हमारी क्या होती है, एक इकॉनमी कहलाती है। कहता है एन इकॉनमी सिस्टम इज रिक्वायर्ड फॉर द ऑपरेशन ऑपरेटिंग द वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन एन इकॉनमी, दैट इज द इकॉनमी इज द गवर्न्ड by one short economic system। तो normally अगर देखें तो यहाँ पर जो line कह रही है वो साफ साफ कह रही है कि an economic system is required for the operating the various activities। एक economic system की requirement इस वजह से हो सकती है ताकि वो विभिन्न तरह के या different type के जो economic activities होती हैं उनको सही तरीके से कर सके in an economy, एक economy में। फिर भी कहता है economy is the governed by the one short ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम, और इकोनॉमी को अगर देखें तो नॉर्मली किस तरीके से वन शॉट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम के थ्रू गवर्न करने का काम किया जाता है। इन एवरी इकोनॉमी द अटेम्प्ट इज मेड टू फुलफिल द मैक्सिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटीज विद द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अ लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ अ कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ एडॉप्ट द इकोनॉमिक सिस्टम। तो नॉर्मली होता क्या है कि अगर देखें तो जिसे कह रहा है कि इन एवरी इकॉनमी, हर एक इकॉनमी में क्या होता है, अटेम्प्ट्स इज मेड टू द फुलफिल द मैक्सिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी। हर एक इकॉनमी के बेसिस पे क्या होता है कि हम जो हमारी अपनी जो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट होती है हम उसको फुलफिल करने की बात करते हैं विद द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज उसको कितने बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया जाए, अच्छे से अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए ताकि हम अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सकें, रिसोर्सेज इन द कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ एडॉप्ट द इकोनॉमिक सिस्टम। और उसको वो कैसे करता है, इकोनॉमिक सिस्टम को मेंटेन करने के साथ करता है, यानी कि हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं उनको बेहतर तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकता है उसके बारे में अगर हमको जानना है तो हमको एक इकोनॉमिक सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। हम बात करते हैं इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम है क्या, किस तरीके की चीज़ें होती हैं। कहते हैं इकोनॉमिक सिस्टम इज अ स्ट्रक्चर ऑफ सच इंस्टीट्यूशंस विच विद विच ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर ऑपरेटेड इन द सोसाइटी। तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है किसका, उन इंस्टीट्यूशंस का जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को सोसाइटी में ऑपरेट करने में हेल्प करती है। कहता है एवरी इकोनॉमिक इज द बेस्ड ऑन इकोनॉमिक सिस्टम, हर एक इकोनॉमी का एक इकोनॉमिक सिस्टम पर बेस्ड है। विच कैन बी द डिवाइडेड इन टू द थ्री कैटेगरी, जिसको हम थ्री कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, या फिर इसको मार्केट इकोनॉमी के रूप में देखें, सोशलिस्ट इकोनॉमी
या फिर इसको प्लैंड इकोनॉमी के रूप में देखें, एंड एटलीस्ट मिक्स्ड इकोनॉमी जो कि कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट का दोनों का मिक्सअप होता है। तो हम पहले बात करते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी की। तो जब हम बात करते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की, तो इसमें नॉर्मली कहा जाता है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज अ सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन फीचर्ड बाय द प्राइवेट ऑनरशिप एंड यूज द यूज ऑफ द प्राइवेट प्रॉफिट्स ऑफ द मैन मेड एंड द नेचर मेड कैपिटल और इन अदर वर्ड्स द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी विच इज मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। अगर नॉर्मली देखें तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, जो प्रोडक्शन होता है और कंट्रोलिंग जो होती है वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के हाथों में होती है, यानी कि प्राइवेट अथॉरिटीज क्या करते हैं, इसको कंट्रोल और मैनेज करने का काम करती हैं। आगे अगर देखते हैं तो मार्केट इकोनॉमी या फिर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की अगर बात करते हैं तो इसमें कुछ पॉइंट्स, इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं। पहला तो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, ये पूरी तरीके से प्राइवेट प्रॉपर्टी होने की वजह से क्या होता है, जो डीलिंग और डीलिंग की सिचुएशन जो होती है वो प्राइवेट इंडिविजुअल हैंड्स में होती है। नॉर्मली कहता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सिस्टम रिकॉग्नाइज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज। और नॉर्मली देखें तो ये क्या है, एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज होती है। इट ऑल्सो इंश्योर टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी ऑफ द डेड पर्सन टू इट्स हेयर्स। तो नॉर्मली देखें ये क्या करते हैं, ये ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें क्या करता है, कोई बंदा अपनी प्रॉपर्टी को क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, जब वो उस चीज़ को अडॉप्ट नहीं कर सकता या इस लायक नहीं होता कि उसको रन करा सके। फिर यहाँ पे कहता है इकोनॉमिक फ्रीडम की अगर बात करें, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ग्रांट द वेरियस इकोनॉमिक फ्रीडम्स टू द इंडिविजुअल्स लाइक अ फ्रीडम टू वर्क, फ्रीडम टू चॉइस, फ्रीडम टू कंजप्शन एंड फ्रीडम टू सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे क्या होता है, किसी तरीके से गवर्नमेंट बर्डन न होने की वजह से क्या होता है, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है उसमें जो इंडिविजुअल होता है वो अपनी जरूरत के हिसाब से काम कर सकता है, अपनी जरूरत के हिसाब से चॉइस कर सकता है और अपनी जरूरत के हिसाब से कंजप्शन कर सकता है और अपनी जरूरत के हिसाब से सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है, यानी जैसा वो मन करे, अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है तो इन्वेस्ट करता है, अपनी कंपनी में सेविंग करना चाहता है तो वो सेविंग को मेंटेन कर सकता है। लेजी फ्री एंड ट्रेड फेयर की अगर बात करें तो मार्केट इकोनॉमी वर्क्स अंडर द लेजी फ्रीज, देयर इज नो स्टेट इंटरवेंशंस एंड द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द सोसाइटी। तो नॉर्मली अगर देखें तो ये पूरी तरीके से लेजी फ्री होता है, यानी कि जो गवर्नमेंट बैरियर्स होती है और वो उससे ये क्या होता है, पूरी तरीके से बचा होता है, इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होती है। फिर ये भी कहता था मार्केट इकोनॉमी इज एन ओपन इकोनॉमी इन विच द फ्री ट्रेड पॉलिसी इज अडॉप्टेड। तो मार्केट इकोनॉमी कैसी होती है, एक ओपन इकोनॉमी होती है जिसे फ्री ट्रेड पॉलिसी को अडॉप्ट कहते हैं, यानी कि जिसके पास पैसे हैं, जो इन्वेस्टमेंट कर सकता है, जिसके पास कैपेबिलिटी है, वो क्या कर सकता है, उसको मेंटेन करने का काम कर सकता है। कंपटीशन की बात करें तो इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। नॉर्मली कंपटीशन इज एसेंशियल फीचर ऑफ द मार्केट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। इक्विलिब्रियम बिटवीन द मार्केट फोर्स दैट इज द डिमांड एंड सप्लाई टेक्स प्लेस ड्यू टू द कंपटीशंस अपियरिंग इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो इक्विलिब्रियम सिचुएशन होती है किसके किसके बीच में, डिमांड एंड सप्लाई के बीच में, वो क्या करती है, टेक अ प्लेस कंपटीशन अपियरिंग इन द मार्केट इकोनॉमी, वो कंपटीशन को मेंटेन करने का काम करती है, यानी कि हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा प्रोडक्ट बिके और हर व्यक्ति चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट की सप्लाई दूँ। तो जो डिमांड एंड सप्लाई की सिचुएशन होती है उसको बैलेंस बनाने में उसमें कंपटीशन को मेंटेन करना पड़ता है और वहाँ पर थोड़ी सी चूक क्या करती है, आपके प्रॉफिटेबिलिटी को रिड्यूस करने का काम करती है। प्राइस मैकेनिज्म होती है इसमें, यानी कि प्राइस क्या होना चाहिए, किस तरीके के प्रोडक्ट की प्राइसिंग को हम मेंटेन कर सकते हैं, हम किस रेट में बेचना चाहते हैं, ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में होता है। नॉर्मली कहते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी प्राइस आर डिटरमाइंड बाय द ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट ऑफ अ प्राइस मैकेनिज्म, प्राइस इन द मार्केट इज डिटरमाइंड एट अ पॉइंट वेयर द डिमांड एंड सप्लाई फोर्स बिकम द इक्वल। कहता है प्राइस तब डिटरमाइंड किया जाता है, नॉर्मली प्राइस में चेंजेस या बाकी चीज़ों को तब मेंटेन करने का काम किया जाता है जब दोनों चीज़ें डिमांड एंड सप्लाई दोनों क्या होती है, इक्वल सिचुएशन में आ जाती हैं। या सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करें या फिर कह लीजिए सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी इसको बोला जाता है, तो नॉर्मली सोशलिस्ट इकोनॉमी मीन्स अ सिस्टम, इसको सिंपल सी बात जान लीजिए कि ये ऐसी इकोनॉमी होती है जिसका ये ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम होती है जिसमें प्रोडक्शन और कंट्रोलिंग और रेगुलेशन जो होता है, जो रेगुलेशन करने का काम होता है वो गवर्नमेंट करती है, यानी कंट्रोल मैनेज एंड रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, वो सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है। अगर इसकी हम बात करें कुछ फीचर्स की तो इसमें सोशल ओनरशिप होती है, यानी कि सोसाइटी को पॉइंट ऑफ व्यू करके यहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जनरेट होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, एक बंदा अकेले लीड करने का काम नहीं करता था। सोशलिस्ट इकोनॉमी सोशल ओनरशिप इज फाउंड ऑन फैक्टर ऑफ अ प्रोडक्शन। देखें तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या, तो सोशल ओनरशिप को फाउंड किया जाता है, यहाँ पे पाया जाता है। दीज फैक्टर्स आर यूज्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटीज एज अ होल।
ये जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इनको यूज किया जाता है सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, संपूर्ण सोसाइटी के, पूरी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए इनको यूज किया जाता है। राइट ऑफ द इंडिविजुअल प्रॉपर्टी हैज़ अ नो प्लेस इन द सोशलिस्ट इकोनॉमी, रेदर इट इज द लिमिटेड टू वनली द सेल्फ कंजप्शन गुड। तो नॉर्मली अगर देखें कि यहाँ पे जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी की सिचुएशन की जो बात होती है तो इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, और यहाँ पे जो कंडीशन होती है वो रेदर देन इट्स लिमिटेड टू वनली सेल्फ कंजप्शन गुड्स। तो यहाँ पे जो बंदा होता है वो केवल अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सेल्फ प्रॉपर्टीज़ को या इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट कर सकता है। एटलीस्ट कहने का मतलब ये है कि वो कुछ भी करेगा अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे करता है तो वो पूरी की पूरी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। हाँ, अगर उसको पर्सनली कोई चीज़ यूज़ करना है तो वो उसमें सेल्फ कंजप्शन या बाकी चीज़ों को प्राइवेटली कंटेंट कर सकता है। नॉर्मली द एब्सेंस ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम, यहाँ पे इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं होती है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होती है। जैसे कहता है द इंडिविजुअल इकोनॉमिक फ्रीडम रिमेंस द एब्सेंस इन द सोशलिस्ट इकोनॉमी। कैसे, व्हाट, हाउ एंड हाउ मच, कि ये जो प्रॉब्लम होती है, द प्रॉब्लम्स आर सॉल्व बाय द सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग इंस्टीट्यूशंस अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटीज। अगर देखें तो इसमें अगर कहीं कोई इश्यूज आती है कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है, कितना बनाना है, तो इस इश्यूज को सॉल्व करने के लिए उनको सेंट्रलाइज यानी कि गवर्नमेंट के पास जानी पड़ती है या सेंट्रलाइज इंस्टीट्यूशंस के पास जानी पड़ती है, जो इस प्रॉब्लम्स को फोकस करके सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का या उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम करती है, यानी सेंट्रलाइज सिचुएशन होती है। पैसिव रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, तो यानी कि ये देखे तो सीधे प्राइस को जनरेट करने का काम नहीं करता था सोशलिस्ट इकॉनमी। प्राइस आर नॉट डिटरमाइंड बाय द price mechanism rather than the government take the use of accounting price which are determined by the government itself on the basis of the social interest। तो गवर्नमेंट क्या करती है यहाँ पे, सोशल इंटरेस्ट को फोकस करते हुए प्राइस को डिटरमाइन करने का काम करती है, प्राइस को जनरेट करने का काम करती है। अब्सेंस ऑफ कंपटीशन, इसमें कंपटीशन नहीं होता क्योंकि ये गवर्नमेंट प्लान्ड होता है तो वो सभी को एक जैसे देखने का काम करती है, यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है। अब हम बात करते हैं मिक्स इकोनॉमी की, तो मिक्स इकोनॉमी क्या होती है, ये कैपिटलिस्ट भी होती है और सोशलिस्ट भी होती है, दोनों का मिक्सअप होता है, यानी कि इसमें कुछ हिस्सा क्या होता है, कहता है द मिक्स इकोनॉमी इज द इकोनॉमी विच द फीचर्स ऑफ द बोथ इकोनॉमिक सिस्टम आर फाउंड, यानी ये ऐसी इकोनॉमी जिसमें दोनों इकोनॉमिक सिस्टम के फीचर्स पाए जाते हैं। दस इट इज द गोल्डन मिक्सचर ऑफ अ कैपिटल एंड द सोशलिज्म, ये क्या होता है, दोनों का मिक्सचर होता है कैपिटल एंड सोशलिज्म का। फिर साथ साथ कहता है द अंडर दिस द इकोनॉमी देयर इज द फ्रीडम ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड द गवर्नमेंट इंटरफेरेंस फॉर द सेक ऑफ द सोशल वेलफेयर। तो नॉर्मली कहता है कि यह फ्रीडम होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को मेंटेन करने के लिए, लेकिन गवर्नमेंट तब इंटरफेरेंस करती है जब इसकी सिचुएशन किससे रिलेटेड होती है, सोशल वेलफेयर से रिलेट करती है। इन अदर वर्ड अभी कैन वी से दैट द मैक्सिमम मिक्स इकोनॉमी इज द ब्लेंड ऑफ द बोथ इकॉनमी। अगर देखें तो हम दूसरे वर्ड कहते हैं मिक्स इकॉनमी ऐसी इकॉनमी जो दोनों इकॉनमी को मर्ज करके बनती है, यानी कि सोशलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट। अब हम इसके कुछ फीचर्स की बात करें, को एग्जिस्टेंस ऑफ द प्राइवेट एंड पब्लिक ओनरशिप, दोनों का मिक्सअप सिचुएशन होता है, दोनों यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, दोनों डिसीजन लेने का काम करते हैं। यहाँ पे जैसे लैंग्वेज कहता है द प्राइवेट एंड द पब्लिक सेक्टर्स को एग्जिस्टेंस इन द मिक्स इकॉनमी, द बोथ प्राइवेट ओनर्स एंड द प्रॉफिट मोटिव आर फाउंड such as a social system, as a economic system, the law of inheritance is defined the place the economic, but the government imposed the progressive taxation to attain the economic equality। तो government भी क्या करती है, progressive taxation को represent करती है। normally क्या करती है, इस तरीके से tax apply करती है जिससे जो growth rate है उसका उसके ऊपर burden ना पड़े, tax भी government को मिले और उसका growth भी properly होती रहे, और profit motive को focus करके जो प्राइवेट सेक्टर के लोग होते हैं वो अपना काम करते रहें। इकोनॉमिक फ्रीडम की अगर बात करें तो यहाँ इकोनॉमिक फ्रीडम थोड़ा सा होता है और थोड़ा सा नहीं भी होता है, यानी कि गवर्नमेंट तब तक आपको इकोनॉमिक फ्रीडम देती है जब तक वो जो पॉइंट ऑफ व्यू है, या फिर जैसे यहाँ पे कह रहा है कि द पीपल इंजॉय द लिमिटेड इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ अ चॉइस प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स। तो यहाँ के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, लिमिटेड इकोनॉमिक फ्रीडम को मेंटेन करते हैं। फिर गवर्नमेंट अडॉप्ट द मेनी कंट्रोल्स टू चेक द लिमिटेड इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअली जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, चेक करने का काम करती है किसको कितना इकोनॉमिक फ्रीडम दिया जाए। द प्राइस सिस्टम की बात करें तो ये दोनों मैकेनिज्म को मेंटेन करने का काम करता है, इसमें प्रॉफिट मोटिव, यहाँ पे नॉर्मली अगर देखें तो प्रॉफिट मोटिव इज मैनेज बाय द गवर्नमेंट सो दैट इट मे नॉट बी हाइट ऑफ द मोटिव ऑफ द सोशल वेलफेयर। तो कहीं ना कहीं इसमें जो गवर्नमेंट का सिचुएशन होता है वो प्रॉफिट मोटिव होता है, इस तरह से बहुत ज़्यादा सोशल वेलफेयर को ये मेंटेन करने का काम नहीं करती। इसमें लिमिटेड कंपटीशन होता है, यानी कि कंपटीशन बहुत कम होता है।
थोड़ा सा कंपेरिजन देख लिया जाए तीनों के बीच में, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट में जो होता है वो क्या होता है, कंट्रोल एंड मैनेज करने का काम जो होता है वो प्राइवेट इंडिविजुअल करता है। सोशलिस्ट की अगर बात करें तो इसमें गवर्नमेंट कंट्रोल एंड मैनेज करने का काम करती है, और अगर मिक्स्ड की बात करें तो दोनों का रोल होता है, यानी कि प्राइवेट और स्टेट ऑनरशिप दोनों यहाँ पे मेंटेन होती है, दोनों फैक्टर्स यूज़ किए जाते हैं। इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करें तो कैपिटलिस्ट में इंडिविजुअल फ्रीडम होता है, सोशलिस्ट में नहीं होता है, और मिक्स्ड में होता है लेकिन लिमिटेड साइज में होता है। कंट्रोल एंड प्लानिंग की बात करें तो कैपिटलिस्ट में कोई सेंट्रल प्लानिंग की बात करें तो कोई सेंट्रल प्लानिंग नहीं होती, यानी कि जब जिस लेवल पे होता है पर्सन अब खुद ही कर सकता है। सोशलिस्ट में सेंट्रल प्लानिंग होती है, और मिक्स्ड में सेंट्रल प्लानिंग होती है लेकिन पूरी तरीके से नेचर में नहीं होती, यानी कि कुछ चीज़ें जो सेंट्रलाइज होती है और कुछ चीज़ें प्राइवेट सेक्टर पे जो इंडिविजुअली की जाती हैं वो होती हैं। कंपटीशन की बात करें तो ये पूरी तरीके से, यानी कैपिटलिस्ट पूरी तरीके से कंपटेटिव होता है, सोशलिस्ट कंपटीशन फ्री होता है, और मिक्स्ड जो होता है वो कंपटीशन होता है बट कंट्रोल्ड कंपटीशन उसमें होता है। ऑपरेशन की बात करें तो ऑटोमेटिक ये ऑटोमेटिक ऑपरेटेड द इकोसिस्टम, ये खुद ही ऑपरेट करने का काम करता है, और इसमें इकोनॉमिक सिस्टम इज़ नॉट ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड, इसमें खुद ऑपरेट होती है, इसको ऑपरेट करना पड़ता है, और ये पूरी तरीके से ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड नहीं होता। मोटिव क्या होता है, मोटिव याद करें अगर कैपिटलिस्ट की तो ये प्रॉफिट मोटिव होता है, इसका सोशल वेलफेयर मोटिव होता है, और ये दोनों होता है, इन कंबाइन कुछ प्रॉफिट भी कमाता है कुछ सोशल वेलफेयर को भी मेंटेन करने का काम करता है। राइट टू प्रोपेंसिटीज़ की अगर बात करें, प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसमें प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो सकती है, इसमें ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, और इसमें कुछ लेवल तक ही ट्रांसफ़र हो सकती है। अब हम बात करें क्लास ऑफ स्ट्रगल की बात करें तो क्लास ऑफ स्ट्रगल को कहता है डिसमिस, इसमें कहता है इकोनॉमिक डिस्पर्टीज हैंस द क्लास स्ट्रगल, इसमें क्लास स्ट्रगल होता है, यानी कि अमीर और गरीब के बीच में जो क्लास स्ट्रगल होता है, इसमें इक्वलिटीज़ को मेंटेन किया था, इसमें क्लास स्ट्रगल नहीं होता है। हाँ, इसमें थोड़ा सा होता है लेकिन बहुत कंट्रोल्ड रहता है। अब हम बात करते हैं मार्केट और सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी जो होती है वो मार्केट के ऊपर बेस्ड होती है, और सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी जो होती है वो सेंट्रलाइज होती है, यानी कि यहाँ पे जो डिसीजन लिया जाएगा मार्केट इकोनॉमी में, यानी कि आपका जो है क्या बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, तो वो क्या होता है कि एक इंडिविजुअल लेने का काम करता है। नॉर्मली कहता है इट्स रेफर टू द इकोनॉमी इन विच द मीन्स ऑफ द प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर्स, इसमें प्राइवेट सेक्टर के थ्रू कंट्रोल, लेकिन सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी में क्या होता है गवर्नमेंट कंट्रोल एंड मैनेज करने का काम करती है। फिर ऑनरशिप की बात करें तो इसमें इंडिविजुअल ऑनरशिप होता है ऑल द मीन्स ऑफ द प्रोडक्शन लाइक अ लैंड लेबर कैपिटल एंड इंटरप्राइजेस आर प्राइवेट प्रॉपर्टीज, ये प्राइवेट प्रॉपर्टीज होती है लेकिन ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज होती है। हम डिसीजन मेकिंग की बात करें तो यहाँ पे मार्केट इकोनॉमी में जो इंडिविजुअल ऑनर जो होता है वो डिसीजन ले सकता है रिगार्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट एंड देयर नीड्स, और यहाँ पे जो भी होता है वो गवर्नमेंट केवल डिसीजन लेने का काम करती है। कंपटीशन की बात करें तो मार्केट इकोनॉमी कंपटीशन बहुत होता है, लेकिन वही सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी कंपटीशन नहीं होता है, क्योंकि वो क्या होते हैं इकोनॉमिकली वेलफेयर को मेंटेन करने का काम करती है। रोल ऑफ गवर्नमेंट, तो यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है, और कंप्लीट रोल जो होता है सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट का ही होता है। साथ ही साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करें तो सेंट्रल प्रॉब्लम जो होती है नॉर्मली व्हाट हाउ फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये जो प्रॉब्लम होती है ये मैगनाइज थ्योरी होती है, नॉर्मली ये खुद ही सॉल्व करने का काम करते हैं, और यहाँ पे इसको गवर्नमेंट सॉल्व करने का काम करती है। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो दैट्स ऑल। इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ द डाउट और द क्वेरीज यू शुड बी कंसल्ट थ्रू द गूगल क्लासरूम। थैंक यू।